नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज से 2 4 दिन पहले एक मैसेज वायरल हो रहा था कि 20 तारीख के बाद में बैंक आपको चार्ज करने वाले हैं उन सर्विसेज के लिए जो अब तक फ्री थी। तो अभी जो है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आ गया है कि कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, और ये सारी खबरें जो है कि मात्र अफवाह है। आप दैनिक भास्कर में भी देख सकते हैं कि 20 जनवरी से बैंकों में फ्री सर्विसेज पर चार्ज लेने की खबर अफवाह, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी सफाई। आप नीचे खबर पढ़ के देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा दी जाने वाली फ्री सर्विसेज पर 20 जनवरी से चार्ज लगाने की बात महज अफवाह है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस मैसेज को वित्त मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए अकाउंट होल्डर्स को इसे इग्नोर करने को कहा है। दूसरी ओर इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी इसे लेकर प्रेस रिलीज जारी कर सफाई दी है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि मैसेज पर वित्त मंत्रालय ने किया रीट्वीट। पिछले दिनों ट्विटर पर वायरल इस तरह के मैसेज पर वित्त मंत्रालय ने रीट्वीट किया। मंत्रालय का कहना है कि 20 जनवरी से फ्री सेवाओं को बंद करने का बैंकों का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, यह महज अफवाह है, कृपया इसे इग्नोर करें। आप जो है राजीव कुमार, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनके ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं कि एक लेटर रीट्वीट किया गया है। ये लेटर जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है, और नीचे में भी एक और ट्वीट लिखा गया है, नो प्रपोजल बाय बैंक टू डिसकंटिन्यू फ्री सर्विसेज फ्रॉम 20 जनवरी, प्योर रूमर्स। तो ऐसा कोई चार्ज नहीं लगने वाला है 20 तारीख के बाद से, तो ये एक मात्र अफवाह थी, इस पर आप ध्यान ना दीजिए, ठीक है। और सारी लेटेस्ट खबरों के साथ मेरे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।